नमस्कार। राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हुए सियासी ड्रामे के बाद से ही कांग्रेस द्वारा पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये दावा बिल्कुल खोखला है। ऊपर ऊपर से सब कुछ ठीक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अंदर खाने पायलट और गहलोत गुट में सीएम गद्दी पर कब्जा करने की होड़ मची हुई है। इसको लेकर के दोनों गुट के नेताओं ने रणनीतियां बनाना भी शुरू कर दिया है। पायलट समर्थक सभी विधायकों के हौसले बुलंद हैं। पायलट समर्थकों का एक ही मकसद है, सीएम गद्दी पर कब्जा करना। इसको लेकर के वो रणनीतियां बना चुके हैं और यही कारण रहा कि गहलोत उन विधायकों में से अभी तक एक को भी तोड़ नहीं पाए हैं। पायलट की वापसी के बाद से ही पायलट समर्थक सभी विधायकों से अशोक गहलोत ने एक एक कर मुलाकात की है। उनको कई तरह के ऑफर दिए, उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने के ऑफर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी पायलट समर्थक विधायक टस से मस नहीं हुए। वो किसी भी हालात में अशोक गहलोत की तानाशाही सहने के लिए तैयार नहीं है और यही कारण रहा था कि अजय माकन के सामने अशोक गहलोत की खिलाफत इन विधायकों ने की थी। और अब राजस्थान में गहलोत के जो मंत्री हैं, गहलोत के जो विधायक हैं, वो भी दिनों दिन अशोक गहलोत से नाराज होते जा रहे हैं, क्योंकि वो मंत्री और विधायक अशोक गहलोत से मुलाकात के लिए समय मांग रहे हैं, क्योंकि उनको मंत्रिमंडल की भी टेंशन है, उनको राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के टेंशन है, उनको अपने विधानसभा के विकास के लिए टेंशन है, क्योंकि उनका राजनीतिक करियर दांव पर लगा हुआ है। कोरोना काल में उन्होंने खूब रंगरलियाँ मनाई थी 5-स्टार होटलों में, और अब समय आ चुका है कि जनता उनसे हिसाब मांग रही है। और सचिन पायलट की बढ़ती मांग को देख करके अब अशोक गहलोत गुट पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। इसलिए अशोक गहलोत से मुलाकात का समय वो मंत्री और विधायक मांग रहे हैं, लेकिन समय नहीं मिलने की वजह से उनमें नाराजगी बढ़ती जा रही है। और उसके बाद वो सचिन पायलट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। जैसे ही सचिन पायलट का दरवाजा खटखटाते हैं, उसके बाद अशोक गहलोत के चमचे सक्रिय हो जाते हैं और गहलोत के मैनेजर उस मंत्री या विधायक को पायलट के घर से निकलने के तुरंत बाद अशोक गहलोत के दरबार में पेश कर देते हैं। यानी कि पायलट के पास जाने से पहले अशोक गहलोत को मुलाकात के लिए समय नहीं था, लेकिन पायलट से मुलाकात के तुरंत बाद अशोक गहलोत द्वारा उनको उनके दरबार में पेश करना, ये एक तरह से समझा जा सकता है कि अशोक गहलोत को अपने विधायकों के खोने का कितना डर चल रहा है। प्रमोद भाया जैन के साथ भी यही हुआ था। प्रमोद भाया जैन ने अशोक गहलोत से मुलाकात का समय मांगा, लेकिन नहीं मिलने की वजह से वो सचिन पायलट का दरवाजा खटखटाने वहां चले गए। और जैसे ही 90 मिनट की मुलाकात के बाद प्रमोद भाया जैन बाहर निकले, तो गहलोत के चमचों ने उठा करके उनको अशोक गहलोत के दरबार में पेश कर दिया। और वहां पर पायलट कैंप से दूरी बनाए रखने के लिए अशोक गहलोत ने एक दलाल, चोर और भ्रष्ट मंत्री की गद्दी भी बख्श दी। यानी कि प्रमोद भाया जैन जो खान मंत्री हैं, उन पर कई तरह के आरोप जो गहलोत के विधायक हैं उन्होंने लगाए थे। ऐसे में अब प्रमोद भाया जैन के साथ जो हुआ था वही अब अन्य विधायकों के साथ भी हो रहा है। प्रशांत बेरवा भी गहलोत गुट के एक वो विधायक हैं जो सचिन पायलट से मुलाकात करने पहुंचते हैं, तो उसके तुरंत बाद उनको अशोक गहलोत के दरबार में पेश कर दिया जाता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत अब इतने बौखला चुके हैं कि अपने विधायक और मंत्रियों को टूटने से बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और सचिन पायलट और पायलट ग्रुप के सभी विधायकों को मजबूर किया जा रहा है कि वो राजस्थान कांग्रेस को छोड़ दे, वो कांग्रेस छोड़ करके अन्य किसी पार्टी में चले जाए, चाहे वो खुद की पार्टी बना ले। यानी कि अब अशोक गहलोत का मानना ये है कि राजस्थान कांग्रेस में सिर्फ अशोक गहलोत और उनके बेटे वैभव गहलोत द्वारा कब्जा रहेगा सीएम गद्दी पर। इसलिए गहलोत अब पुत्र मोह के चलते सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस की राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं। इसको लेकर के सचिन पायलट कैंप की तरफ से जनता की सहानुभूति बटोरना शुरू कर दिया गया है। एक तरह से विधानसभा की तैयारी करना अब पायलट कैंप ने शुरू कर दी है। और जिस तरह से ये जो आपसी मनमुटाव दोनों नेताओं के बीच में चल रहा है, और जिस तरह से अशोक गहलोत ने पायलट के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि जल्द ही सचिन पायलट बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। सचिन पायलट अब तक वापसी के बाद 8 अन्य विधायकों को भी अपने गुट में शामिल कर चुके हैं। 19 कांग्रेस के ये पहले थे, 8 ये आ गए और 3 निर्दलीय इनके साथ थे। यानी कि लगभग 30 से ज्यादा संख्या अब पायलट गुट की हो चुकी है। और इस बार सचिन पायलट यदि आर पार के मूड में आए तो निश्चित है कि वो बीजेपी का दामन थामेंगे। और 30 से 35 विधायकों के साथ यदि बीजेपी का दामन सचिन
सचिन पायलट थाम लेंगे तो निश्चित है अशोक गहलोत की सरकार गिरेगी। अशोक गहलोत की सीएम कुर्सी पर अब कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं। सीएम गद्दी को लेकर के क्या सोनिया का अंतिम फैसला होगा, इस पर आप अपने विचार हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।